हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और कर रहे हैं तो उसके लिए जीके और जीएस के लिए लूसेंट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कंप्लीट आपका जीएस वाला पार्ट जो है जीके वाला पार्ट इसमें कवर होता है। यदि आप लूसेंट को बुक से पढ़ते हैं तो उसमें आपकी ओनली रीडिंग हो पाती है, चीज़ें समझ नहीं आ पाती, हमें रटना पड़ता है। इसके लिए मैं ये सीरीज़ आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें लूसेंट सामान्य ज्ञान के सभी पार्ट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें मैंने कई सारे पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अभी हम इस पार्ट में हम जियोग्राफी को कंप्लीट कर रहे हैं और जियोग्राफी में ये 9th पार्ट है, यानी कि 8 क्लासेस के वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी के वीडियोज़ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लूसेंट जियोग्राफी में, वर्ल्ड जियोग्राफी में महासागर यानी कि जलमंडल वाले भाग को कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए। इसके अलावा यदि आपको चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब आपको तुरंत मिलेगा। तो स्टूडेंट, पहली बार जुड़ने वाले छात्रों से मैं कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमको वीडियो डालने का, वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं लूसेंट जियोग्राफी में। अगला जो पार्ट है, आज का जो पार्ट है वो है जलमंडल, ठीक है, यानी कि इसको हम नॉर्मली हाइड्रोस्फीयर भी बोलते हैं। जलमंडल, आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का जो लगभग 71% हिस्सा है, यानी कि एक तिहाई, इसको हम एक और चीज़ बोल सकते हैं, हमारी पृथ्वी का लगभग 71% जो भाग है, देखिए थर्ड फोर्थ बोलते हैं, 3/4 यानी कि 3/4 भाग है, वो क्या है, जल है। यानी कि हमारी संपूर्ण पृथ्वी के 71% भाग में जल है, बाकी जो भाग है 29% वो महाद्वीप यानी कि जमीनी भाग है। इसके अलावा हमारी, आप पृथ्वी के बारे में भी देखा होगा, ये ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है ग्लोब में, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। दोस्तों, यदि हम बात करें तो पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध वाला भाग है, यानी कि ये ऊपर वाला भाग, इसमें लगभग टोटल जो एरिया का 67% जो है वो जल है, और दक्षिणी गोलार्ध का 89% जो है वो जलीय भाग है, यानी कि सबसे अधिक जो जल वाला भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध में आता है। स्टूडेंट, इसके अलावा पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा, यदि हम टोटल जो हम 70% जल की बात कर रहे हैं, इस जल की कुल मात्रा का 97.5% जो जल है, यानी कि जो भाग है, वो महासागरों में है, यानी कि महासागरीय भाग कवर करता है। आपको मालूम है महासागरीय जल खारा होता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे लिए जो पीने के लिए स्वच्छ जल है वो कितना है, केवल 2.5%, यानी कि इतना सारा जल होने के बाद भी हम केवल 2.5% जल ही उपयोग लायक बना पाएँ या है हमारे पास। दोस्तों, इसके अलावा आपसे अभी क्वेश्चन कभी किया जाए, महासागरीय जल की प्रमुख गुण क्या होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है महासागरीय जल का, वो है तापमान और लवणता, यानी कि सॉल्टनेस और टेम्परेचर, ये दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं महासागरीय, यानी कि जो जलीय वाला भाग है महासागरों में जो जल है उस जल के। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि जलमंडल की सबसे बड़ी इकाई महासागर होती है, ठीक है, क्योंकि महासागरों में ही सबसे ज़्यादा मात्रा में जल है, तो सबसे बड़ी इकाई महासागर है, और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, एरिया में इसकी बात कर रहे हैं। दोस्तों, महासागरीय जल की औसत गहराई, यानी कि जो आपका महासागर है वो औसतन कितना गहरा है, कितनी गहराई तक है, तो आप देखेंगे कि लगभग 3,800 मीटर, यानी कि लगभग 4 किलोमीटर तक गहराई है, ये औसतन गहराई है। औसतन गहराई मतलब हम सभी महाद्वीप की एक औसत गहराई की यदि बात करते हैं। इसके अलावा महाद्वीप जल की औसत ऊंचाई कितनी है, यानी कि 840 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है और गहराई है 3,800 मीटर। दोस्तों, स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को उच्चतामितीय वक्र यानी कि हाइपोसोग्राफिक या मैट्रिक कर्व बोला जाता है, यानी कि जो गहराई और ऊंचाई वाला भाग है महासागरों का, उन दोनों के पॉइंट को बोला जाता है क्या, उच्चतामितीय वक्र। इसके अलावा दोस्तों, आपने महासागरों के अलावा समुद्र और खाड़ी के बारे में भी सुना होगा कि समुद्र महासागर तो होते ही हैं, फिर समुद्र किसे कहते हैं और खाड़ी किसे कहते हैं। इसके अलावा जो गल्फ़ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, देखिए गल्फ और खाड़ी, हिंदी में गल्फ़ को खाड़ी बोलते हैं, पर खाड़ियाँ कुछ अलग होती हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी
उनको बे कहा जाता है। जलमंडल का वह बड़ा भाग जो तीनों तरफ जल से घिरा हो। दोस्तों जैसे कि आप देखते होंगे इंडिया, तो वो वाला भाग इंडिया का जो तीनों वो जलीय भाग जो तीनों ओर से जल किससे स्थलीय भाग से घिरा हो, जैसे ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे यदि आप आगे भी बात करें कुछ अरब की कंट्रीज हैं, तो जलमंडल का वह बड़ा भाग जो तीनों तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ महासागर में मिला हो, आपको मालूम है ये जो मैंने अरब सागर के बारे में आपको बताया था ये हिंद महासागर से मिला हुआ है, तो वो क्या कहलाता है, समुद्र कहलाता है। ठीक है, तीन तरफ स्थल से और एक तरफ किससे घिरा हो, महासागर से घिरा हो, खाड़ी किसे कहते हैं। दोस्तों खाड़ी नॉर्मली गल्फ बोला जाता है, आपने गल्फ कंट्रीज़ या खाड़ी देशों के बारे में सुना होगा। समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगला जो पार्ट है वो है बे। बे मुख्य रूप से हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। ठीक है, यानी कि देखिए बे क्या होता है, जो बे ऑफ बंगाल है जिसे हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं, इसके दो किनारे स्थल से घिरे हों, एक तरफ बाला भाग जो है टापुओं के समूह से लगा हो और दूसरी तरफ मुहाना जो है समुद्र में मिला हो। आप ये इंडिया देखेंगे और इस साइड ये अंडमान निकोबार द्वीप हैं और कुछ और छोटे छोटे द्वीप हैं, ये आपका जो है हिंद महासागर वाला ही पूरा भाग है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, इसके दो किनारे, ये भी किनारा और ये किनारा समुद्र का स्थल से लगा हुआ है, इसके अलावा कुछ भाग जो है वो द्वीपों से घिरा हुआ है, इसके बाकी भाग जो है वो हिंद महासागर से लगा हुआ है, तो इसे बोला जाता है बे, यानी कि बे को हिंदी में खाड़ी भी बोला जाता है। दोस्तों इसके अलावा यदि जो क्वेश्चन उठता है कि महासागरीय जल का जो है औसतन तापमान कितना रह सकता है, तो यदि आप औसतन तापमान की बात करेंगे तो लगभग 5 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच इसका तापमान रहता है। ये महासागरीय जल की विशेषताएं हैं कि 5 डिग्री मतलब मिनिमम तापमान और अधिकतम जो तापमान है वो 33 डिग्री सेल्सियस तक ही महासागरीय जल का रहता है। दोस्तों आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होता है। ये पॉइंट आप याद रखें कि ये डिपेंड करता है, जो अटलांटिक महासागर है जो यूएस और यूरोप के पास है, यानी कि अमेरिका और यूरोप महाद्वीप के बीच में है वो है अटलांटिक महासागर, इसमें वार्षिक जो तापांतर है वो अन्य जो प्रशांत महासागर है उसकी अपेक्षा जो होता है अधिक होता है, यानी कि क्या है, ऊपर के साइड जो ज़्यादा ठंडा हो जाता है और जो मध्य वाला एरिया है वहाँ पर ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो ये थोड़ा आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में तापांतर अधिक होता है, ये जो आप पहले ही समझ गए हैं, यानी कि यहाँ देखिए दक्षिणी ध्रुव के आसपास वाला क्षेत्र थोड़ा ठंडा रहेगा और जो उत्तरी गोलार्ध के आसपास वाला क्षेत्र थोड़ा गर्म रहता है, तो यही तापांतर में अंतर होने का कारण होता है। इसके अलावा देखिए कुछ महत्वपूर्ण गर्त हैं, देखिए इन महत्वपूर्ण गर्त में आपको सभी याद नहीं करने, आप मेरियाना गर्त याद रखें, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि 11,022 दोस्तों मेरियाना गर्त का काफ़ी पूछा जाता है, जो कि लगभग 11,022 मीटर जो है गहरा है और ये प्रशांत महासागर में है। इनके अलावा और इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इतना नहीं पूछा जाता। आगे हम बात करें दोस्तों जो लवणता होती है वो किस तरीके से नापी जाती है, तो यदि हम लवणता यानी कि सॉल्टनेस की बात करें महासागरों में, तो लवणता को प्रति हज़ार इकाई में व्यक्त किया जाता है, यानी कि प्रति हज़ार इकाई जो है वो इसकी यूनिट है। समुद्री जल का औसत जो लवणता है वो 35 प्रति हज़ार होती है, प्रति हज़ार इसकी औस जो इकाई होती है इसी में व्यक्त किया जाता है। जैसे हम मीटर बात करते हैं कि डिस्टेंस की मीटर है, इसी तरीके से प्रति हज़ार जो है वो लवणता की है, तो 35 प्रति हज़ार जो है वो लवणता किसकी है, समुद्रीय जल की औसतन एवरेज जो सॉल्टनेस होती है वो होती है। दोस्तों इसके अलावा जो है समलवण रेखा यानी कि आइसोहेलाइन के बारे में भी कभी कभी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी कि समलवण रेखा क्या होती है, तो समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर जो रेखाएं खींची जाती हैं, यानी वो रेखाएं जो समान खारेपन वाले स्थानों को जोड़ती हैं, यानी कि यहाँ थोड़ा ज़्यादा खारा है, यहाँ कम खारा है, यहाँ ज़्यादा खारा है, यहाँ ज़्यादा खारा है, ऐसी ये इनको मिलाकर हम एक रेखा बनाएँ तो इसको समलवण रेखा कहा जाएगा।
इसके अलावा सबसे अधिक लवणता वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा खारा जो क्षेत्र है वो कौन सा है, तो जो तुर्की है उसमें बान झील है। तुर्की की बान झील वो है सबसे अधिक लवणता वाली झील है और इसकी लवणता 330% प्रति हज़ार में है। दूसरी यदि हम बात करें महासागर में सबसे ज़्यादा लवणता वाला क्षेत्र कौन सा है, तो मृत सागर जो है ये 238% लवणता वाला क्षेत्र है। ठीक है, कौन सा? मृत सागर, जिसे डेथ सी बोला जाता है। तो बान झील सबसे अधिक लवणता वाली झील है और सागर जो है, जो महासागरीय भाग का हिस्सा है, वो है मृत सागर, जो कि दूसरा सबसे लवणता वाला क्षेत्र है। स्टूडेंट आगे हम बात करें, अगला जो पॉइंट लूसेंट में दिया हुआ है उसको भी समझेंगे, जिसे हम बोलते हैं गाइओट। दोस्तों गाइओट पे भी प्रश्न बनते हैं कि गाइओट है क्या, तो कुछ नहीं, जो समुद्र में समान यानी कि जो सपाट शीर्ष वाले स्थान हैं, यानी कि जैसे ये समुद्र में कुछ पर्वत हैं जो कि बिल्कुल सपाट हैं, तो सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को क्या बोला जाता है? गाइओट बोला जाता है। सपाट शीर्षों वाले समुद्री पर्वतों को क्या बोला जाता है? गाइओट बोला जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के समीप स्थित मैरियाना गर्त, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो कि सबसे गहरा समुद्री गर्त है और ये लगभग 11,022 मीटर गहरा क्षेत्र है। सीधा मतलब ये है कि आप ये जो क्षेत्र देखेंगे हिंद प्रशांत महासागर का, तो वैसे तो हमने औसत की गहराई 3,800 मीटर पड़ी थी, पर सबसे अधिक गहराई एक जगह मिलती है जो कि चैलेंजर गर्त कहा जाता है जिसको, ठीक है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। दोस्तों आगे हम बात करें महासागरों में प्रमुख रूप से कि सॉल क्या होते हैं, तो जलमग्न उत्थान का वह भाग जहाँ जल की गहराई छिछली होती है, यानी कि कम गहराई वाला क्षेत्र होता है, उसे क्या कहते हैं? सॉल कहते हैं। ये जो सॉल होते हैं यहाँ जो है, यह मुख्य रूप से प्रबाल से नहीं बने होते, यानी ये कम गहरे होते हैं पर प्रबाल नहीं होते। सॉल नॉर्मली क्या होता है? कम गहराई वाले क्षेत्र समुद्र के कहलाते हैं। दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ किसे कहा जाता है? ग्रेट बैरियर रीफ काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है उसका एक राज्य है क्वींसलैंड। क्वींसलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया की एक स्टेट है, एक ऑस्ट्रेलिया का राज्य है। उसके समीप संसार की सबसे बड़ी प्रबाल भित्ति पाई जाती है जो कि प्रशांत महासागर में है। ये ऑस्ट्रेलिया देखेंगे, यहाँ पे क्वींसलैंड है और ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रबाल दिप्पी है। देखिए प्रबाल दिप्पी बनती कैसी है? प्रबाल दिप्पी जो है वो मूंगे की एक प्रकार की चट्टान होती है। मूंगा आपने एक रत्न सुना होगा जो कि कई सारे समुद्री जो प्रबाल होते हैं उनके जमने से, इकट्ठा होने से बनती है, तो उसी को प्रबाल भित्ति कहा जाता है, उसी को मूंगा द्वीप कहा जाता है। और सबसे बड़ी प्रबाल भित्ति जिसे द ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है वो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट अब हम महासागरों को पढ़ेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हम महासागर में जो तीन हम मुख्य रूप से महासागर पढ़ते हैं, वैसे चौथा महासागर भी है, ठीक है, तो अभी हम बात करें प्रशांत महासागर की, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा महासागर है। स्टूडेंट प्रशांत महासागर की बात करें तो हमारे पृथ्वी का जो कंप्लीट जो क्षेत्र है उसका लगभग 1/3 भाग है, 1/3 जो हिस्सा है वो प्रशांत महासागर है। इसका कुल क्षेत्रफल यदि आप बात करें 16,57,00,000 यानी कि 16.57 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि सबसे ज़्यादा है किन्हीं भी महासागरों में प्रशांत महासागर का, यानी कि यह सबसे बड़ा महासागर है। दोस्तों प्रशांत महासागर को यदि आप कंप्लीट जो देखें, ये एशिया महाद्वीप है या अफ्रीका महाद्वीप है, सॉरी ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पड़ते हैं। यदि आप कंप्लीट इसको देखेंगे, इस प्रशांत महासागर को, तो इसकी आकृति जो दिखती है वो त्रिभुजाकार होती है, यानी कि प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार क्या होता है? जिसका शीर्ष जो हो वो सकरा हो और आधार जो हो वो चौड़ा हो, तो वो त्रिभुज कहलाता है। तो प्रशांत महासागर की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है, ठीक है, ये चीज़ समझ सकते हैं। और इसके शीर्ष पर जो है बेरिंग जलसंधि है। दोस्तों बेरिंग जल संधि यदि हम बात करें, वह मुख्य रूप से एशिया महाद्वीप और जो अमेरिका महाद्वीप है उसको जोड़ती है बेरिंग जलसंधि। दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप यदि हम बात करें अंटार्कटिका की, तो ये आधार पर है किसके? हमारे
प्रशांत महासागर के। दोस्तों भूमध्य रेखा पर प्रशांत महासागर की लंबाई सबसे ज़्यादा है और ये लगभग 16,000 किलोमीटर से अधिक चौड़ा है। भूमध्य सागर वाली रेखा भूमध्य रेखा देखेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भूमध्य रेखा की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि भूमध्य रेखा पर ये थोड़ा सबसे अधिक चौड़ा हो जाता है प्रशांत महासागर, इसलिए भूमध्य रेखा पर इसकी जो चौड़ाई है वो 16,000 किलोमीटर है। इसके अलावा जो आपका प्रशांत महासागर है उसके पश्चिम वाले भाग में जो है वो एशिया महाद्वीप है, ठीक है। इसके अलावा यहीं पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पड़ता है, उत्तर में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पड़ते हैं तथा दक्षिण में जो है अंटार्कटिका आता है। दोस्तों यदि हम प्रशांत महासागर की बात करें तो इस विशाल महासागर में कुल मिलाकर 2000 से अधिक द्वीप हैं। प्रशांत महासागर का अधिकांश तटवर्ती सागर जो है, मतलब सबसे अधिकांश जो भाग है इसका वो पश्चिमी भाग है। पश्चिमी भाग ज़्यादातर क्षेत्र जो इसका तटों से लगा हुआ है। इन तटों में यदि हम बात करें इस महासागर में मुख्य रूप से, तो इसमें आता है बेरिंग सागर, आखुस्त सागर, जापान सागर। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं ये किस महासागर के भाग हैं, तो बेरिंग सागर, आखुस्त सागर, जापान सागर, पीत सागर, ठीक है, पूर्वी चीन सागर, ये सारे जो सागरीय वाले भाग हैं, समुद्रीय भाग हैं, ये पश्चिमी रूप से, ठीक है, प्रशांत महासागर के हिस्सा हैं। दोस्तों पूर्वी की ओर केवल कैलिफोर्निया की खाड़ी ही प्रसिद्ध है। पूर्वी की ओर यानी कि अमेरिका वाले साइड में जो आपका प्रशांत महासागर है उसका सबसे प्रमुख जो प्रसिद्ध ये खाड़ी है वो है कौन सी, कैलिफोर्निया की खाड़ी। दोस्तों प्रशांत महासागर की औसत जो गहराई है वो 7,500 यानी 7,300 मीटर गहरा है, इसलिए हम बोलते हैं सबसे अधिक गहरा महासागर जो वो कौन सा है, प्रशांत महासागर ही है। अगला महासागर आता है दोस्तों वो है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर ये 1/6 पार्ट है पूरे धरातल का। इसका क्षेत्रफल 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर है। देखिए अटलांटिक महासागर एक बार मैं आपको फिर बता दूं, ये आपका मान लीजिए उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये एशिया है और इधर अफ्रीका है। ये जो क्षेत्र में आपको पड़ रहा है ये है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को यदि आप ऑन मैप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये कुछ हमें एस आकृति यानी कि जो अंग्रेजी का एस अक्षर है उसकी आकृति का दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये लिखा है अंग्रेजी के एस आकृति से इसकी आकृति मिलती जुलती है। इसके पश्चिम में दोनों अमेरिका हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, पूर्व में यूरोप और अफ्रीका हैं। इसके अलावा अटलांटिक महासागर का जो दक्षिणी भाग है वो अंटार्कटिका से जाके लगता है। अब हम बात करें इसके कुछ महासागर या कुछ भाग की, तो ग्रीनलैंड इसके उत्तर में है, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, ठीक है, या उत्तरी सागर मन तट, ये सारे अटलांटिक महासागर के सागरीय तट हैं। दोस्तों अटलांटिक महासागर में मुख्य रूप से जो है एक इसकी प्रमुख जो विशेषता है वो है मध्य अटलांटिक कटक। दोस्तों मिड अटलांटिक रिज इसे बोला जाता है और मध्य अटलांटिक कटक जो है वो बीचों बीच अटलांटिक महासागर में दिखाई पड़ती है। यह उत्तर में आइलैंड से तथा दक्षिण में बोबेट द्वीप से लगभग 4,000 किलोमीटर से लेकर 14,000 किलोमीटर तक लंबा है, ठीक है। इसकी लंबाई बताई हुई है प्रशांत अटलांटिक महासागर की और ऊंचाई बताई गई है। दोस्तों यह एक जो हम बात कर रहे हैं किसकी, मध्य अटलांटिक कटक की, जो इसकी ऊंचाई जो कटक वाला हिस्सा है इसकी ऊंचाई और इसकी लंबाई की, तो यह एक जलमग्न कटक है। इसकी अनेक चोटियाँ जो है ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती हैं। देखिए कटक वो वाला भाग होता है समुद्री का हिस्सा जो ऊपर की ओर उठा हो, ठीक है, जो कि छोटे छोटे द्वीप धारण कर ले। दोस्तों इसके अलावा ओजोर्स का पाइको द्वीप तथा कैप बर्दे द्वीप जो है ये प्रमुख कटक के उदाहरण हैं जो कि मध्य अटलांटिक कटक किसमें, अटलांटिक महासागर में स्थित हैं। दोस्तों सबसे तीखी चोटी भूमध्य रेखा के निकट सेंट पॉल नामक द्वीप है जो कि अटलांटिक महासागर में है। सेंट पॉल द्वीप के बारे में भी कई बार पूछा जाता है, ये मध्य अटलांटिक कटक यानी कि अटलांटिक महासागर के कटक वाले हिस्से का सबसे ऊंचा वाला भाग है। अब यदि हम बात करें अटलांटिक महासागर में कुछ महत्वपूर्ण स्थानों की, जैसे बर्मुडा प्रवाल द्वीप, असेंशन द्वीप, त्रिस्ता दी काना द्वीप, सेंट हेलेना द्वीप, ये कई बार पूछा गया है, सेंट हेलेना पर्वत, ठीक है, सेंट हेलेना, गुआ बेबेट, ये सारे क्या हैं, ज्वालामुखी ये पर्वत हैं जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित हैं। दोस्तों
अटलांटिक महासागर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश, देखिए ये अटलांटिक, ये यदि हम ग्लोब की बात करें ये भूमध्यरेखा रेखा, ये उत्तरी और ये दक्षिणी गोलार्ध, तो लगभग 55 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के पास सबसे अधिक चौड़ा वाला भाग है अटलांटिक महासागर का। इस चौड़े वाले भाग को अटलांटिक कटक बोला जाता है दोस्तों, मध्य अटलांटिक कटक, सॉरी टेलीग्राफ का पठार बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, देखिए आप टेलीग्राफ के पठार के बारे में समझ लीजिए कि लगभग 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर अटलांटिक महासागर अधिक चौड़ा है और इस चौड़े वाले भाग को क्या कहा जाता है, इस चौड़े वाले भाग को टेलीग्राफ का पठार कहा जाता है। दोस्तों रोमांस गंभीर क्या है, तो भूमध्य रेखा के निकट जो है अटलांटिक महासागर दो भागों में बांटता है, इसी को रोमांस गंभीर कहा जाता है। ठीक है, इन दो भागों में उत्तरी भाग डॉल्फिन श्रेणी तथा दक्षिणी भाग को चैलेंजर कटक कहा जाता है। इसके अलावा आप ये चीज़ भी याद रख लेना, अटलांटिक महासागर की कुछ तटीय और जो खाड़ी क्षेत्र हैं जैसे बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, मैक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर, कैरेबियन सागर, ये सारे जो महासागर हैं ये उत्तर तथा यदि हम बात करें पूर्व तथा पश्चिम की ओर अटलांटिक महासागर में हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी पूछा जाता है किस महासागर की तटरेखा कटी फटी है, तो सबसे अधिक कटी टूटी तटरेखा जो है वो अटलांटिक महासागर की है। अब यहाँ पर इसका एक फ़ायदा है कि जो तटरेखा बहुत कटी और टूटी रहती है, ये क्या है, छोटे छोटे जो यूरोप महाद्वीप में जो द्वीपीय देश हैं उनके कारण ये कटी फटी है, इनके कारण क्या होता है, शहरों में अधिक से अधिक और उत्तम बंदरगाह बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जो कि व्यापारिक दृष्टि से, देखो वही इन्होंने दिया है, सबसे अधिक व्यापारिक दृष्टि से व्यस्त महासागर कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर है। इसके अलावा यदि हम अगले पार्ट की बात करें दोस्तों, जो तीसरा महासागर है हम समझने वाले हैं वो है हिंद महासागर। दोस्तों हिंद महासागर की सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं हिंद महासागर का, जो आपके ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ये ऑस्ट्रेलिया है ये वाला, और ये इंडिया है, और इधर जो है वो अफ्रीका पड़ता है, इसके आसपास वाला जो क्षेत्र है ये कंप्लीट हिंद महासागर है, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यानी कि इसमें पश्चिम में अफ्रीका है, ठीक है उत्तर में एशिया महाद्वीप है, और पूर्व में जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, इसके अलावा जो दक्षिण में है वो अंटार्कटिका पड़ता ही है। चलिए अब हम आगे इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों यह एक अर्ध महासागर है, अर्ध महासागर इसलिए क्योंकि ये अर्ध चंद्राकार टाइप में है, ये पूरा उत्तर से, मतलब देखिए आप उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से लगा हुआ नहीं है, ये एशिया महाद्वीप से आधा हो जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल 7,34,00,000 वर्ग किलोमीटर है, और यह एक तरफ प्रशांत महासागर से और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर से लगता है। दोस्तों कर्क रेखा इस महासागर की उत्तरी सीमा बनाती है, यानी कि कर्क रेखा सबसे ऊपर की ओर जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है वो इसकी उत्तरी सीमा बनाती है, उसके नीचे नीचे ये महासागर कंप्लीट हो जाता है। इसमें भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट के समीप लक्षद्वीप तथा मालदीव जो हैं हिंद महासागर में वो प्रवाल निर्मित द्वीप हैं। ठीक है, लक्षद्वीप और मालदीव जो है प्रवाल निर्मित द्वीप हैं। इसके अलावा मॉरिशस या रियूनियन द्वीप जो हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप है ये ज्वालामुखी से बने हुए द्वीप हैं। इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप यदि आपसे पूछा जाए तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप के पास में मेडागास्कर होता है, ये जो मेडागास्कर है ये इसका सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मेडागास्कर। इस महासागर में वास्तविक तटवर्ती सागर दो ही हैं, है ना, जो कि देखिए तटवर्ती सागर दो हैं हिंद महासागर में और ज़्यादा नहीं हैं, एक है लाल सागर और दूसरा है फारस की खाड़ी। इसके अलावा अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की गणना भी इनके सागरों में ही की जाती है। ठीक है, लेकिन ये हिंद महासागर के उत्तरी विस्तार मात्र, मतलब जब हिंद महासागर उत्तर की ओर लगता है तो हम इन्हें कह सकते हैं कि भाई ये अरब सागर है या बंगाल की खाड़ी है, पर मुख्य रूप से वास्तविक जो ज़मीनी हिस्से में जो सागर लगते हैं वो फारस की खाड़ी और लाल सागर दोनों ही इसके आते हैं। ठीक है, अब जो अगला महासागर है दोस्तों वो है
आर्कटिक महासागर। देखिए वास्तविकता में हम तीन ही महासागर पढ़ते हैं, प्रशांत, हिंद और अटलांटिक, लेकिन जो इनका ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर मिलते हैं उसको भी हम चौथे महासागर के रूप में पढ़ते हैं, जो कि आर्कटिक क्षेत्र में है। यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है, ठीक है। यह आर्कटिक व्रत के अंदर ही अंदर आता है। आर्कटिक व्रत मतलब 66.5 डिग्री जो आपकी अक्षांश रेखाएं हैं वही इसमें आती हैं, ठीक है। 66.5 डिग्री रेखा के ऊपर वाला हिस्सा है वो आर्कटिक सागर कहलाता है, ठीक है। यह यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों से घिरा हुआ है। इसका अधिकांश भाग जो है वो बर्फ की मोटी चादरों से घिरा रहता है। तो ये चारों सागर आपके यहाँ पर महासागर कंप्लीट होते हैं। दोस्तों महासागर पढ़ने के बाद ही हम महासागरीय जल में महासागरीय जलधाराएं पढ़ते हैं। दोस्तों महासागरीय जलधाराएं भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कई सारे क्वेश्चन में आपको ठंडी एवं गर्म जलधाराओं के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है। आइए आगे हम पढ़ते हैं महासागरीय जलधाराओं के बारे में। दोस्तों यदि आपको कहीं भी डाउट लग रहा है, कोई भी चीज़ आप उसमें समझ नहीं आ रही या आप ऐड करना चाहते हैं या सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करते जाइए, आप प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं कि एक निश्चित दिशा में, देखिए एक निश्चित डायरेक्शन जो है उस दिशा में बहुत अधिक दूरी तक यदि समुद्री जल की एक विशाल राशि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए, ये समुद्र है, ठीक है, पूरा मान लीजिए, यहाँ से एक लंबी दूरी पर एक निश्चित दिशा में यानी समुद्र का पानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करे, ठीक है, जल धाराओं के रूप में, ठीक है, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, महासागरीय जलधाराएं, ठीक है। अब दोनों प्रकार की महासागरीय जलधाराएं हो सकती हैं, एक हो सकती है गर्म जलधाराएं और एक हो सकती है ठंडी जलधाराएं। अब ये समझना होगा गर्म जलधाराएं कौन सी होंगी, ठंडी जलधाराएं कौन सी होंगी। बेसिक से पॉइंट में इसका मैं सार आपको बता देता हूं। देखिए जो ध्रुवों से जलधाराएं आएंगी भूमध्य रेखा की ओर वो ठंडी होंगी, ठीक है, और जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगी वो गर्म जलधाराएं होंगी, ठीक है। दोनों चीज़ समझ गए होंगे गर्म और जलधाराओं की, क्योंकि ध्रुव जो होते हैं वहाँ पर ठंडक होती है, वहाँ से यदि पानी आएगा भूमध्य रेखा की ओर तो ये ठंडा क्षेत्र कर देगा, ठीक है, ठंडा पानी आएगा। तो हम कह सकते हैं जब ठंडी जलधाराएं होती हैं तो उस क्षेत्र का तापमान गिर जाता है और जब गर्म जलधाराएं चलती हैं उस क्षेत्र का तापमान बढ़ जाता है। गर्म कहाँ भाई, भूमध्य रेखा के आसपास क्या होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, यहाँ का जल देखिए ठंडा, यहाँ का गर्म, तो ठंडे से गर्म और गर्म से ठंडे की ओर ट्रेवल करेगा पानी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, जब ठंडे क्षेत्र से गर्म की ओर जा रहे हैं तापमान कम हो जाएगा और गर्म से ठंडे की ओर जा रहे हैं तो तापमान उस क्षेत्र का बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हैं गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझना, उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती हैं। यानी कि ये आप ले लीजिए यहाँ पे, ये है उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाला, ये दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती हैं, मतलब कुछ ऐसी चलती हैं ऐसी, ये बाईं ओर मतलब दाईं से बाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध की अपने दाईं ओर, यानी कि ये ऐसी चलती हैं, बस यही बताया है। इस प्रक्रिया को बोला जाता है कोरियोलिस बल, यानी कि कोरियोलिस इफेक्ट बोला जाता है। कोरियोलिस इफेक्ट क्या है, पृथ्वी की जो घूर्णन है उसके कारण पैदा होता है, जिसमें जो उत्तरी गोलार्ध में जलधाराएं हैं वो बाईं ओर मुड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में जलधाराएं वो हैं वो दाईं ओर मुड़ती हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यदि देखिए ये चीज़ नॉर्मल है, इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। महासागरीय जलधाराओं के संचरण की सामान्य व्यवस्था एकमात्र प्रसिद्ध अपवाद है, हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है। इस भाग में धाराओं का प्रवाह मानसूनी दिशाओं में, मानसून धारा की जो प्रवाह की दिशा है वो मानसून के साथ बदल जाती है, ठीक है। ये थोड़ा अपवाद है ये बताया है, पर इसको आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब आप केवल याद रखें कि कौन से महासागर में कौन सी जलधारा है, कौन सी गर्म है, कौन सी ठंडी है। तो गर्म और ठंडी को आप समझ सकते हैं, ध्रुवों से आने वाली ठंडी होती है और भूमध्य रेखा से जाने वाली गर्म होती हैं। तो प्रशांत महासागर में गर्म और ठंडी पढ़ लेते हैं। तो विषुवत रेखीय जलधारा कैसी है, गर्म है, देखिए विषुवत रेखा से जा रही है। क्यूरोसिया जो क्षेत्र है गर्म जलधारा, प्रशांत उत्तरी प्रशांत गर्म जलधारा, अलास्का की जलधारा गर्म है, अलनीनो गर्म है, सुसीमा ये जलधारा भी गर्म है। ये भी देखिए अब दक्षिणी विषुवत रेखा ये भी गर्म है, ये दक्षिण की ओर है, एक उत्तर विषुवत, देखो भूमध्य रेखा के उत्तर, भूमध्य रेखा के दक्षिण, ठीक है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया ये वाला क्षेत्र भूमध्य रेखा के बिल्कुल उत्तर वाले क्षेत्र में, ये भी गर्म है।
विपरीत विषुवत रेखीय, ये भी गर्म है। तो ये हुई कौन सी गर्म, कौन सी प्रशांत महासागर की। देखिए ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, ये सब चीज़ें आ रही हैं अलास्का, तो ये आपका जो पड़ेगा वो गर्म जलधारा क्षेत्र पड़ेगा। अब ठंडी जलधाराओं में क्यूराइल, ठीक है, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट और अंटार्कटिका, ठीक है, ये कैसी हैं आपकी ठंडी जलधाराएं हैं, कौन से क्षेत्र की, प्रशांत महासागर की। अब अटलांटिक महासागर की ठंडी गर्म जलधारा के बारे में बात करें तो उत्तरी विषुवत रेखीय, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, दक्षिणी विषुवत रेखीय, ब्राज़ील, विपरीत विषुवत रेखीय और इर्मिंजर, ये जलधारा कैसी हैं, गर्म जलधाराएं हैं, ठीक है। अब यदि हम बात करें अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा, लेब्राडोर, बेंगवेला, कनारी, ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड में देखिए पूर्वी ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, देखिए ठंडा ही अंटार्कटिका से आएगी, फॉकलैंड, ये भी ठंडा है। तो ये जलधारा कौन सी हैं, ठंडी जलधारा हैं। अब मैं इसको एक ट्रिक भी आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है, आपको इतनी सोचेंगे इतनी कैसे याद रखें, ठीक है, आप दिमाग लगाएंगे याद तो हो सकती है, दिमाग लगा के रटने से नहीं होंगी। इसके अलावा मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है, हिंद महासागर की ओर देख लीजिए, जिसमें दक्षिणी विषुवत रेखी है, मोजम्बिक है और अग्लुवास है, ये गर्म जलधाराएं हैं, और हिंद महासागर की कौन सी है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, आप पहले देखिए ठंडी जलधाराओं को, इसमें एक है, इसमें छः हैं और इसमें चार है, यानी कि केवल 11 जो जलधाराएं हैं वो कौन सी है, ठंडी जलधाराएं हैं, ठीक है। तो यदि हम नॉर्मली बात करें, आप ठंडी ठंडी जलधाराएं याद कर लीजिए, इसके अलावा जो जलधाराएं बचती हैं वो कौन सी होंगी आपकी, वो आपकी गर्म जलधाराएं होंगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी महासागरीय जलधाराएं, ठीक है। महासागरीय जलधाराओं के बाद हम सागरों के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम महासागर में ज्वार और भाटा को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों सबसे पहले सारगेसो सागर क्या है, तो नॉर्मली उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 से 70 डिग्री, ठीक है, 35 से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य प्रवाह होने वाली जलधाराओं के जो क्षेत्र है, जो कि एक शांत जल क्षेत्र कहलाता है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में 20 से 40 और दक्षिणी गोलार्ध में 35 से 75 डिग्री के क्षेत्र में जो जल है, जो कि शांत जल है, यही कहलाता है सौरगैसो सागर, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर के 20 से 40 और 35 से 70 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो शांत जल वाला क्षेत्र है वह सौरगैसो सागर कहलाता है, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं जाना। आप ये ज़रूर याद रखना सौरगैसो सागर जो है वो सबसे पहले स्पेन के जो नाविक होते हैं उन्होंने इसको देखा हुआ था, ठीक है। ये भी एक पॉइंट रखना है ना, ग्रैंड बैंक क्या है, तो ग्रैंड बैंक भी मुख्य रूप से समझना न्यूफाउंडलैंड जो द्वीप है उसके समीप, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर, ठीक है, गर्म और ठंडी जलधाराओं जब आपस में मिलती हैं तो वहाँ पर समुद्री मछलियाँ बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, इसी के कारण उस क्षेत्र को अटलांटिक महासागर उस क्षेत्र को ग्रैंड बैंक कहा जाता है। देखिए जब गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा और लेब्राडोर ठंडी जलधारा ये दोनों आपस में मिलती हैं तो यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में समुद्री मछलियाँ पाई जाती हैं, तो ये जो है मछली पकड़ने वालों के लिए ग्रैंड बैंक के नाम से प्रसिद्ध है ये क्षेत्र। दोस्तों नेक्स्ट यदि हम पार्ट करें, नेक्स्ट अगर ये हम पॉइंट पढ़ें तो वो है आपका, देखिए ये अलनिनो और लानिनो, आप समझना लानिनो और अलनिनो दोनों गर्म जलधारा के ही क्षेत्र हैं और ये जहाँ पर पड़ते हैं वहाँ का तापमान बढ़ जाता है और वहाँ पर वर्षा जो है वो कम होती है, ठीक है। अलनिनो इफ़ेक्ट जो है वो वर्षा कम वाला है और लानिनो इफ़ेक्ट जो है वर्षा अधिक होती है और ये भी जलधाराओं के ही प्रकार हैं, ठीक है। अब जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है ज्वार एवं भाटा। दोस्तों ज्वार भाटे क्या हैं, ठीक है, जिसको हम नॉर्मली टाइड्स बोलते हैं। समुद्र में क्या होता है, बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं जिन्हें हाई टाइड्स बोला जाता है, ऊंची लहरों को, ठीक है, उन्हीं को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले ज्वार भाटा यानी कि जिसे हम टाइड कहते हैं, चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण महासागरीय जल जब ऊपर उठने लगे, ठीक है, तथा नीचे ऊपर उठना और नीचे गिरने लगे तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। क्या होता है, जब पृथ्वी और चंद्रमा जब समीप होते हैं तो इनकी आकर्षण शक्तियां जो हैं वो आपस में लगती हैं, ठीक है। ऐसे ही सूर्य और चंद्रमा एवं पृथ्वी, जब पृथ्वी पर इन दोनों की आकर्षक शक्तियाँ काम करें तो जो समुद्री जल है ये ऊपर उठकर, ठीक है,
लहरों के रूप में आगे बढ़ता है और फिर लहरें नीचे की ओर गिर के पीछे की ओर हटती हैं, तो इन्हीं को ज्वारभाटा कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ज्वार और भाटे हैं क्या। सबसे पहले ज्वार, ज्वार को बोला जाता है टाइड, यानी कि जब लहरें आगे की ओर बढ़ें, स्थान की ओर आएँ बड़ी बड़ी लहरें उठ के, तो उन्हें बोला जाता है ज्वार। और जब जो लहरें हैं वह पीछे की ओर जाएँ, ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है, एप्स बोला जाता है। यानी कि समुद्री जल के आगे बढ़ने की स्थिति को टाइड बोला जाता है और समुद्री जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने की स्थिति को एप्स बोला जाता है, यानी कि भाटा बोला जाता है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाए कि ज्वार भाटा किसके कारण होते हैं, यानी कि ज्वार एवं भाटा के लिए क्या उत्तरदायी है, तो सूर्य के गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल एवं पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, इन तीनों के बल के कारण ज्वारभाटा उत्पन्न होते हैं, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए चंद्रमा से जो है वो सूर्य की अपेक्षा अधिक ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो चंद्रमा सबसे अधिक नज़दीक जब होगा, जब बड़ी लहरें आएंगी, यानी कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ये जो है पृथ्वी के सीध में होगा, तो ज़्यादा आकर्षण बल काम करेगा, इसलिए चंद्रमा में अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अधिक ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, जिसके लिए क्या बोल देते हैं, समुद्र किनारे ना जाएं, यानी कि जो समुद्री क्षेत्र है वहाँ पर अनाउंसमेंट किया जाता है अमावस्या के दिन बड़े ज्वार उठेंगे, कृपया समुद्र के किनारे ना जाएं दोस्तों। और जो अलग हैं, जो अन्य क्षेत्र होते हैं, जब समकोण, देखिए जब इस तरीके की स्थिति होती है, यहाँ सूर्य हो यहाँ चंद्रमा, तो निम्न ज्वार होंगे, और इस तरीके की स्थिति हो, एक जगह सूर्य एक जगह चंद्रमा, तो क्या होगा, यहाँ पर उच्च ज्वार होंगे। सॉरी, जब ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो देखो यहाँ पर दोनों का बल काम करेगा, एक दूसरे को न्यूट्रल नहीं करेगा, तो बड़ी बड़ी लहरें उठेंगी, और सब सूर्य चंद्रमा एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो एक दूसरे को न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे इनके फोर्स, इसलिए छोटी छोटी लहरें उठेंगी, ठीक है। अब पूछा जाए पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन जो है ज्वार कब कब आते हैं, प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार आते हैं, ठीक है, और ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद क्या आता है, भाटा आता है। एक ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है, और प्रत्येक 12 घंटे 26 मिनट पर क्या आते हैं, ज्वार आते हैं, ठीक है। तो ये आपकी महत्वपूर्ण पॉइंट थे ज्वार और एवं भाटा से संबंधित, ठीक है। बस यही रखना, महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापमान जो होता है वो लगभग नगण्य होता है, ठीक है, मतलब तापांतर जो होता है वो बहुत कम होता है कि भाई दिन में बदल गया और शाम को और ठंडा हो गया, दिन को गर्म हो गया, ऐसा नहीं होता। महासागरीय जल टेम्परेचर लगभग एक जगह सेम रहता है, ठीक है, वो बदलता नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतने विशाल राशि को एकदम सूर्य जो है वो गर्म नहीं कर सकता, ठीक है। महासागरीय जल की उच्चतम वार्षिक तापक्रम अगस्त में होता है और न्यूनतम वार्षिक तापक्रम फरवरी में होता है, यानी महासागरीय जल फरवरी में थोड़ा ठंडा होता है और जो अगस्त है उस समय थोड़ा गर्म होता है। तो इस तरीके से आपने महासागरीय वाले भाग को कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किए, क्योंकि मैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी को यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। हिस्ट्री आपको कंप्लीट मिल जाएगी, पॉलिटी के भी कुछ वीडियो डाले हुए हैं, इसके बाद ये ज्योग्राफी है, आगे अन्य वीडियो भी आपके लिए आते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।